जमीन के बदले नौकरी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा है। दरअसल सीबीआई की टीम तेजस्वी यादव से जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ कर रही है, लिहाजा इसी मामले को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई मुख्यालय में कार्यरत सूत्र के मुताबिक शनिवार 11 मार्च को तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए हिस्सा लेने दोपहर 2 बजे आ सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए दिल्ली स्थित न्यू फेडरेशन कॉलोनी आवास में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर पिछले 24 घंटे से ज्यादा सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है। बता दें, इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में शुक्रवार को बिहार के कई शहरों व कई अन्य जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की 3 पुत्रियों और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के परिसर में भी छापेमारी की गई। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान 53 लाख रुपए नगद, 1900 अमेरिकी डॉलर, करीब 540 ग्राम स्वर्ण और सोने के 1.5 किलो जेवरात को जब्त किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिणी दिल्ली में एक घर के अंदर तलाशी ली गई जहां पर लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे। न्यूज़ के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब, जो कथा कथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि ज़मीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ जो है वो कर रही है। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। दूसरी बात, हमने कई बार पहले भी बात कही थी कि भाई हर महीने आप लोग तकलीफ क्यों करते हैं आने का, घर में ही दफ्तर खोल लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। आपको आना पड़ता है, सरकारी पैसा खर्च करके आना पड़ता है और वो सरकारी पैसा जो है जनता का पैसा होता है। इतनी टीम लाते हो, ये करते, खैर उनका अपना काम। हम लोग शुरुआत से ही जो है, चाहे पूर्व में इन लोगों ने केस मुकदमा किया तब भी हम लोगों ने पूरा सहयोग जो है, कई बार जाँच, हम लोग तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जब डीए केस जीत चुके हैं तो उसके बाद कोई मतलब रह नहीं जाता, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बार बार दमन। और इस केस के बारे में हम अगर थोड़ी बात अगर आप लोगों को बता दें तो पहले भी इस केस में इस केस में कई बार जो है सीबीआई जांच करके जो है बंद भी कर चुका है, चाहे IRCTC का हो या लैंड फॉर जॉब का। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों केसेस में रेलवे में आज तक रेलवे मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं। मतलब तेजस्वी जी को अपने घोषणा पत्र में ये जारी करना चाहिए कि कितने लोगों की जमीन उन्होंने लिखवाई, कितने लोगों की संपत्ति उन्होंने टिकट बेच के लिया, कितना पैसा वो कमाए, ये घोषणा पत्र उनको जारी करना। उन्होंने कहा कि ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।